यह है गांव का मुर्गी फार्म और भी बहुत कुछ। कैसा पैसा बन रहा है, कितना पैसा बनती है पूछते हैं। तो गांव के अंदर टेस्ला कार, यहां पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं। ये मार्केट कैसे इनकी हेल्प कर रहा है जानते हैं कुछ विलेजर से। निहा, इसके अलावा इनकम का और क्या सोर्स है? वाओ, इट्स अ ह्यूज हार्बर स्ट्रीट हैज दिस काइंड ऑफ नैरो अंडरग्राउंड, पूरा सीवरेज लाइन होता है। यह विलेज बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ निरंजन और मेरे साथ है लुलू। नमस्ते, कैसे हो? आज हम जा रहे हैं चाइना के एक विलेज में जो कि बीजिंग के पास में है, और उस विलेज में कैसे डेवलपमेंट हुआ, गांव का विकास कैसे हुआ, गांव की गरीबी कैसे दूर हुई, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हमारे साथ, अभी बुक करते हैं टैक्सी और चलते हैं सीधा गाँव के अंदर। हम पहुंच चुके हैं सिंगटांग विलेज, सिंगटांग डिस्ट्रिक्ट, और अब मैं दिखाता हूं, चलिए मेरे साथ कैसे गांव का विकास हुआ है। लेट्स गो। गांव के विकास के लिए पहला स्टेप इन्होंने लिया पॉवर्टी एविलेशन का, गांव से गरीबी दूर करने का। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया और साथ में गाँव के अंदर सैटरडे मार्केट को विकसित किया। बीजिंग के पास होने की वजह से आउटसाइडर्स यहाँ पे आते हैं और सैटरडे को बहुत सारे एक्टिविटीज का आनंद लेते हैं। बच्चे भी यहाँ बहुत खुश होते हैं। इसकी वजह से गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी और गांव का विकास होता गया, जिसकी वजह से यहाँ से गरीबी एक हद तक दूर हो गई बहुत जल्दी। ये मार्केट कैसे इनकी हेल्प कर रहा है जानते हैं कुछ विलेजर से। निहा, दोस्तों इनका कहने का अभिप्राय है कि पहले इनको मार्केट में जाना पड़ता था अपनी वेजिटेबल्स को बेचने के लिए। अब इनके साथ प्रॉफिट ये होता है कि सैटरडे को आउटसाइडर इनके गांव में आते हैं और यहीं से वेजिटेबल्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से बुजुर्ग लोग हैं वो यहां सब्जियां बेच देते हैं गांव में, और जो यंग लोग हैं वो बाजार में जाके भी सब्जियां बेच सकते हैं। बहुत कर से सिंगजुआ फार्मा शिजी के वो कम दो दो जी हुए और ना कम दो दो रन ले आते हैं वो बैल। इस तरफ क्या है सभी इनसे समान? हाँ, So, इस बार यह है भाई गांव का बार है, यहाँ पे देखो गांव के लोगों की ईमानदारी दिखाता हूँ। यहाँ कोई इंसान नहीं है, इन्होंने यहाँ पे पैसा लिख दिया है, जो आएगा बस वो यहाँ से सामान लो, QR कोड स्कैन करो और पैसा पेमेंट करके चले जाओ। चली मिन चमया, इनसे अभी हमने बात की कि किस प्रकार से ये खेती बाड़ी करते हैं और इन्होंने यहाँ पे मुर्गी फार्म कर रखा है, तो इन्होंने दिखाने के लिए हमें लेके आए हैं। तो ये देखे भाई, इन्होंने मुर्गियां पाल रखी है, तो जो सैटरडे मार्केट में लोग आते हैं वो यहाँ से मुर्गियों के ताजा अंडे भी लेके जाते हैं, और ये इधर इन्होंने फार्म बना रखा है जिसके अंदर खेती बाड़ी करते हैं, और यहाँ स्ट्रॉबेरी स्पेशल खेती की जाती है। पहले ये ऑर्डिनरी खेती करते थे, और जैसे ही यहाँ पे ये रिवोल्यूशन किया इन्होंने खेती के अंदर, तो चेंज कर दिया। 2006 से पहले लोग केवल पारंपरिक खेती करते थे और नॉर्मल सब्जियां उगाया करते थे, लेकिन 2006 में इन्होंने इस तरीके के बड़े बड़े पोली हाउस विकसित किए और मधुमक्खी पालन शुरू किया, जिससे गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति तो बदली बल्कि गांव का जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत आगे चली गई। और यहां बीजिंग के पास होने की वजह से शहर से संडे सैटरडे को लोग यहां आते हैं, खुद अपने हाथों से स्ट्रॉबेरी पिक करते हैं और अपने घर लेके जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा खेती का मॉडल इन्होंने विकसित किया, जो कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता गया। तो लेके आई है गांव का ड्राई फ्रूट। यस, आई थिंक आल्सो ये ड्राई फ्रूट है। स्वीट एंड सॉर। इट्स नाइस। व्हेयर? इट्स अ हैंडमेड बाय दैट लेडी ओवर देयर। इट्स आई थिंक यू पेड 15 आरएमबी राइट? 15 आरएमबी का है, एक बॉक्स है जो इंडिया के लगभग बनते हैं 180 रुपए के करीबन, और इसमें एप्पल है। ये गांव का रेस्टोरेंट है, लेकिन इसका जो भाई डेकोरेशन और ये सब चीजें है ना, बहुत ही सुंदर इन्होंने की है। इस तरफ हम बैठ करके खाना खाएंगे, और
ये देखो भाई रिसेप्शन का जो इलाका है, इसके अलावा यहाँ इनके जो लोकल फूड्स जो होते हैं ना, देखिए ये जो ड्राई फ्रूट्स बना करके इधर बेचते हैं, ये सारी और अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पे आपको खाने पीने को मिलेगी और ये लोग अपने दुकानों में हर जगह बेचते हैं। तो जो खाना मंगाया ना वो भी बहुत लाजवाब का, और अभी देखिए हमने जो खाना मंगाया उसमें यहाँ पे कॉर्न है और सारा सब्जियों का जो सामान है वो है, लेकिन गांव में भी इतना बेहतरीन खाना मिलता है ये मैंने सोचा नहीं था। गांव की कुछ बेसिक फैसिलिटीज आपको दिखाता हूँ जो इसे यूनिक बनाती है। मेरे पीछे जिस चीज को आप देख रहे हो ये है यहाँ पे स्टोरेज हाउस, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोरियर या किसी का पैकेज आता है तो डिलीवरी मैन यहाँ पे इसको जमा कराता है। आप आइए QR कोड स्कैन करिए और अपना पार्सल प्राप्त कर सकते हैं। कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तो प्योर वाटर के लिए यहाँ इस तरीके के ये ATM लगे होते हैं, जिसके अंदर आप अपना बॉक्स रखिए, केवल 1.5 आरएमए में 7.5 लीटर वाटर आपको मिलता है प्योर वाटर। Here village बहुत अच्छा है। Every street has this kind of mirror to avoid accident. पूरे गांव में आपको अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन मिलती है, हर जगह आपका पूरा वेल मैनेज्ड होता है और सारी सड़कें यहां पे डामर और सीमेंट की बनी होती है। हर एक गली में यहां पे सड़क आपको देखने को मिलती है। देखो भाई व्यू देखो यहां का, सड़क भी बढ़िया अच्छी है और ये देखिए पुराने गांव के जो मकान है वो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पुराने जो व्हीकल है वो भी दिख रहे हैं, कुछ विलाज भी बने हुए हैं, विला भी आप देख सकते हो। साथ में यहाँ डस्टबिन की जो व्यवस्था दी है ना इन्होंने गांव के अंदर, इस तरीके के ये डस्टबिन लगाए हैं आपको सूखा कचरा गीला कचरा डालने के लिए। सो इट्स रियली नाइस लुलू। यस दे हैव अ सेपरेट रिसाइकल्स फॉर गार्बेज। करेक्ट एंड ऑल आर वेरी क्लीन। गांव की साफ सफाई का राज बताता हूँ, ऐसा इसलिए संभव हुआ कि सन 2016 में इन्होंने एक स्कीम चालू की जिसके तहत इन्होंने वेस्ट का जो डंपिंग साइट्स थी, गांव में टोटल 17 डंपिंग साइट थी, उन्हें बंद किया और फिर घर घर से कचरा कलेक्शन का काम शुरू किया। साथ ही उन्होंने कचरे को सेग्रीगेट करके कलेक्शन किया, जिसमें सूखा कचरा अलग और जो रिसाइकल होने वाला कचरा वो अलग और जो गीला कचरा वो अलग, जिसकी वजह से गाँव में 60% कचरे का जो माप था वो नीचे आ गया। This is really cute, isn't it? Yes, it's very cute, Lulu. दोस्तों यहाँ पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं। वहाँ पे आपने एक गाड़ी देखी, फिर आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मिलता है, इसके साथ थोड़ा सा आगे देखो तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मिलता है। मतलब ये पूरा जो गांव है इसमें इन्होंने बहुत सारे कारखाने भी स्थापित किए हैं, साथ में इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यहाँ पे इजीली कन्वीनियंसली आपको हर जगह मिल जाती है। इस तरीके से जो अंदरून में है ना इनमें काम चल रहा होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ बन रही होती है। There is a school open nearby specialized in craftsmanship training. So lots of parents in China brought their children here to study. As a result, a lot of craftsmen there came to this area and find a lot of new opportunities. Let's go inside and check something, huh? अंदर जाके देखते दोस्तों क्या है ये। क्राफ्टमैन जो होता है, जो लकड़ी का कारीगर होता है ना उनका यहाँ पे, तो भाई ये तो जोरदार दिख रहा है मुझे। वाओ जिस कारखाने में मैं खड़ा हूँ ना, ये कारखाना बहुत ही महत्वपूर्ण और गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत ही भाई इसने योगदान दिया है। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। इन्होंने बोला ये जो लकड़ी का अंदर काम करते हैं ना, उससे अलावा हम ये चेयर्स वगैरह ये भी यही गांव में प्रिपेयर करते हैं। तो भाई इनका ये सारा सिस्टम है। अभी ये जो इतना देखिए ग्राउंड टू अर्थ होते हैं यहाँ के मालिक लोग, तो ये देखें यहाँ इसकी ओनर है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हमें अपने साथ घुमा के दिखा रही कि देखिए ये सब चीज़ें हैं। और इनकी एक अच्छी चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो पीछे जो डिज़ाइन किया हुआ ना ये भी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए इतना सुंदर दिख रहा है, इन्होंने बहुत प्यारा बनाया है ये इलेक्ट्रिक बाइक। और भाई देखो गांव के अंदर टेस्ला कार,
भाई जोरदार अमीर लोग हैं। So aside from local farmers, lots of artists and musicians from all over the places came to this village and settled down, starting their own business. Wow, it's also nice. It is a diverse village. Perfect. Yeah. It's looking like rich village. Yes, this village is developed really nice. And look, this activity here. Yeah. And यहाँ पे एक एक्टिविटी भी हो रही है, ये जो चल जाओ शर्मा में जब बिल्लू हुई लायाचिन लायाचिन। तो दोस्तों चलिए अंदर चलिए, हमारे साथ कुछ दिखाता हूँ अंदर क्या हो रहा है, और फिर इस ये शाम को 7 बजे की एक्टिविटी, अगर 7 बजे तक मैं आ रहा तो इस एक्टिविटी को रंगत में भी दिखाऊंगा। चलिए अंदर चलते हैं। गांव के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलती है, मतलब कि यहाँ जो झूले लगे हैं, खेलने की व्यवस्था है, उसको देख के ना आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि गांव में इतना कैसे मिल रहा है। ये देखो भाई इस तरफ है ना, आपको मेरे पीछे जो एनवायरनमेंट दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया है, इधर एक गार्डन है जिसमें इधर ये ना जिम, ओपन जिम है, इधर झूला झूलने के लिए लुलु जा रही है झूला झूलने के लिए। रेडी? Yes, I'm ready. Me too. Okay, let's go. Wow. Yeah. Do you like it, Lulu? Buy the house over there. We. I want to live there. Yes, Lulu want to buy house, but she want I gift her. So, दोस्तों ये यहाँ पे सारी सुविधाएं, इस तरफ आपको बैठने की मिलती है, और भी बहुत सारे यहाँ पे ना रात की लाइटिंग के साथ ये पूरा गांव जगमगा जाता है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे चीजें लोगों के पूरा एंटरटेनमेंट का है। बच्चों के लिए यहाँ खेलने की भी जगह आपको मिलती है कि बच्चे आराम से घूम फिर सकते हैं, लोग यहाँ बैठ करके किताबें पढ़ते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं, इस तरीके से आप देख ही पा रहे हो। गांव के अंदर आपको अलग अलग जगह ना बहुत सारी पार्किंग फैसिलिटी मिलती है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए पूरी पार्किंग फैसिलिटी में ना गाड़ियाँ खड़ी है, इधर आप देखिए यहाँ पे तो एक जगह खाली है, बाकी यहाँ अंदर तक सब जगह ना गाड़ियाँ भरी हुई है अंदर, बिल्कुल गांव के अंदर सारी फैसिलिटीज। एडवांस एग्रीकल्चर, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, रूरल टूरिज्म एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीजें मिलकर के इस गांव को बहुत वेल्थी बनाती जा रही है। ये ऐसी चीज है जो कि परफेक्ट एग्जांपल है रूरल वेल्थ मैनेजमेंट का और रूरल डेवलपमेंट का। ये चीज न केवल देश के अंदर कहीं बल्कि विदेशों में भी अगर कोई अपनाना चाहता है तो अपने गांव को विकसित करने में अपना सकता है। चाइना का यह है एक कदम बहुत लोगों का जीवन बदलने में कारगर साबित हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और पुराने वीडियो जो हमने बनाए उनको भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। क्या देखो भाई पूरा इस तरीके से गायें चल रही है।